हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुबह के 9 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। सुबह का मैं बना नहीं पाई, तभी बनाई हूँ मैं। मेरा साफ सफाई सारा हो गया, बेड वगैरह सारा मैं साफ कर ली। दूध मेरा फट गया था तो मैं इसका पनीर बना ली। इसका मैं कुछ सब्जी बना लूँगी बच्चों के लिए। 1 किलो दूध बैठाई थी, फट गया दूध। इसका मैं पनीर बनाई हूँ। इसको व्हाइट कपड़ा में डालकर दबा दूंगी तो ये पूरा पनीर बन जाएगा। और 1 मिनट, साग बनाई थी बस, थोड़ा सा अपने लिए बचा हुआ है, खाऊंगी। इनको लंच में दी साग, मूंग भी बॉईल की थी। ये मूंग अपने लिए थोड़ा थोड़ा रखी हूँ, बच्चों के लिए पनीर बनाई थी। मानसी और अभय के लिए उनको दे दी, आयुष अभी ड्राई फ्रूट। इसको ये सब खाना है, अमरूद खाना, सिर्फ पिस्ता ही खाना खा लिया, इसको और चाहिए अभी। अब मैं नहाने जाऊंगी, नहाकर आज येलो सूट पहनूंगी। आज थर्सडे है इसलिए येलो पहनूंगी, और कपड़ा भी धोना है, कपड़ा धोऊंगी, नहाऊंगी, कपड़े भी धोना है, धोऊंगी सारा, उसके बाद नहा लूंगी। नहाकर पूजा करना है, पूजा करूंगी, उसके बाद नाश्ता पानी करूंगी। मेरा पूजा भी हो गया, मैं कपड़े भी धो ली, अब नीचे ही फैला दूंगी। ऊपर जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है, चौथी मंजिल, पाँव दुखने लगता है। मेरा पाँव में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ छत पे, बहुत कम ही जाती हूँ। अब मैं अभी पनीर का पराठा बनाऊँगी। इसके लिए मैं पनीर घर में हमेशा पनीर बना कर रख लेती हूँ, तो मैं इसको तोड़ कर चूर चूर कर ली हूँ पनीर। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा डाली हूँ, और इसमें पनीर डाल दूँगी। पराठा बनाऊँगी मैं, इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। तब तक आटा गूंथ लूंगी जब तक ये ठंडा होगा। मैं बेल ली, रोटी बना ली इसका। मेरा आटा ज़्यादातर मिक्स किया हुआ रहता है। मैं पनीर डाल दी, अब इसको इस तरह कर दूंगी, फिर इस साइड में एक बार पनीर डालूंगी। मैं इधर भी डाल दी, अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेलूंगी। इसको डाल दी तवे पर, एक बार पलट ली हूँ, और अच्छा से सेक जाएगा तो इसको सेक लूँगी। घी, बटर या तेल, जैसा आपका मर्जी, उस तरह से आप खा सकती हैं बनाकर। पराठा मेरा तैयार हो गया, देखिए कितना सुंदर बन गया ये। अब मैं दूसरा भी मैं बना ली, दूसरा भी देखिए अच्छा बना है। मैं आयुष को दी हूँ खाने के लिए, वो खा रहा है पनीर पराठा। देखिए पनीर में दोनों साइड से डाली हूँ तो दोनों लेयर में आएगा पनीर। चल खाओ। मानसी और अभय के लिए मैं बिना प्याज लहसुन का काजू पनीर बनाऊंगी। काजू मैं डाली हूँ, धनिया का ये जो डंठल होता है वो डंठल भी डालूंगी। डंठल डाल दी मैं, थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और जीरा का इसमें छौंक लगाऊंगी, और मैं पनीर बनाऊंगी। अभी मैं जीरा, हरी मिर्च और तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का छौंक लगाई हूँ। ये पनीर है, 1 किलो दूध से मैं पनीर बनाई हूँ, और इसका पेस्ट मैं बना रही हूँ। और मैं इसमें डाल दूंगी सारा। इसको चलाऊंगी, ये अच्छा से पक जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ मैं, कच्चा नहीं रहना चाहिए ये। थोड़ा सा काजू में ज़्यादा डाली हूँ, प्याज नहीं डालना था इसलिए काजू ही ज़्यादा डाली हूँ। मसाला पक गया, अब मैं इसमें सारा पनीर डाल दूंगी। लास्ट में थोड़ा सा उतारने टाइम पर दूध डाल दूंगी इसमें, और थोड़ा सा मैं कश्मीरी मिर्च भी डाल दूंगी कलर के लिए। अब मैं पनीर डाल देती हूँ। तो पराठा, रोटी, पूरी जैसे खाना है, थोड़ा हल्का पानी भी डालूंगी इसमें। तैयार हो गया, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दूंगी,
इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दी, दूध भी मैं थोड़ा सा डाली हूँ, थोड़ा सा और रखी थी डालने के लिए, इसको भी डाल दी। ज़्यादा दूध मैं नहीं डाली हूँ, नहीं तो मीठा मीठा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ही डाली हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा बिना प्याज लहसुन का।